यस, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने सीपीसीडी जनवरी 2024 के एग्जाम को कवर किया है। अब है नेक्स्ट एग्जाम की बारी, जो कि सीपीसीडी मार्च 2024 में होना है। 15 मार्च उसकी डेट है, 15, 16 और 17, 3 दिन का शेड्यूल रखा है। और इस शेड्यूल के बाद हमारा जो सीपीसीडी का कैलेंडर है वो भी फिनिश हो जाएगा, फिर अगला कैलेंडर न्यू आएगा। और जैसा कि मैंने, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने सीपीसीडी का जो जनवरी का एनालिसिस था उसमें बोला था कि अगर आपका सीपीसीडी पेपर नहीं निकल रहा है तो आपके पास एक और मौका है सीपीसीडी मार्च वाला। क्यों? क्योंकि सीपीसीडी का जो डेटाबेस है ना, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की कमी है। ये मैंने प्रूफ करके भी बताया था कि क्यों कमी है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन बीएसआई एकेडमी, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम होता है, फिनिश जैसे भी कंप्लीट होते हैं, हम नया शेड्यूल के लिए हम एक बैच लेके आते हैं। नाम आपको पता है और नाम के वर्जन से आपको पता चल गया होगा कि ये बीएसआई एकेडमी का सबसे सक्सेसफुल बैच है। और बीएसआई एकेडमी को जो आज लोग जानते हैं, सीपीसीडी मींस बीएसआई एकेडमी, आज हर किसी की जुबान पर है, तो उसके पीछे इसी बैच का रोल रहता है। क्यों, कैसे? इसमें जो कंटेंट रहता है, इसमें जो हमारी स्टूडेंट के साथ कनेक्टिविटी रहती है, वो इंडिविजुअल वे में रहती है, यानी हम स्टूडेंट से पर्सनली कनेक्ट रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बैच को इनरोल होने के बाद किसी भी स्टूडेंट को ये टेंशन नहीं लेनी होती कि उसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। इसकी पूरी जवाबदारी मेरी ही होती है। और आपको याद होगा, या आपने, जब मैंने अभी सीपीसीडी का जो नया शेड्यूल बताया, जैसे एग्जाम डेट अनाउंस की, तो आपको खुद के माइंड में थोड़ा सा एक मैसेज गया होगा कि सर, इस एग्जाम के लिए हमारे पास मात्र 45 डेज है, और ये एक ऐसा बैच है जिसने 30 दिन में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया है। और हमेशा जब भी हमारा पेपर चाहे 2 महीने में हो या फिर 45 दिन में हो, 40 में हो, ये बैच अपने आप को 30 दिन में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देता है। सर, बाकी दिन क्या करते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे कि इस बैच में क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब है आपकी बारी, हाईली डिमांडेड बैच है। जब भी स्टूडेंट बीएसआई एकेडमी के साथ जुड़ते हैं और उनकी कनेक्टिविटी इसी बैच के साथ रहती है। नाम है संकल्प 13.0, यानी 13 है, 13 है, और इससे पहले एक वर्जन हम लोगों ने मिस कर दिया था। अदरवाइज ये 14 या 15 वर्जन होता। संकल्प का पहला वर्जन मुझे याद है दिसंबर 2021 में लेके आया था, और उस समय जो स्टूडेंट की क्वालिफाई संख्या थी लगभग 1500 से प्लस थी, 1500 प्लस पहले ही बैच में स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। ये वो बैच थे, वो स्टूडेंट थे जिन्होंने संकल्प बैच को इनरोल किया था। बाकी ऑनलाइन के बच्चे, जो मॉक टेस्ट हम लोग लेके आते हैं, उसके बच्चे अलग थे, और जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो अलग थे। यानी सबका सेपरेशन उस पहले बैच का हमने प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया था कि कितने बच्चे निकलते हैं। और जिस दिन संकल्प आया, फिर सेकंड बैच जब हम लोगों ने लॉन्च किया, बिना लॉन्च इतनी क्वेरी थी कि हम लोग 3 दिन तक कंटिन्यूअस मैसेज पढ़ते रहे, फिर भी मैसेज रीड नहीं हो पाए थे। ये संकल्प बैच की क्वालिटी है। आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंटली, आप जहां से भी मतलब पूछ कर आए हैं, जिसने भी आपको रिकमेंड किया है, उसने भारी भरकम, यानी बहुत बड़ी भारी बात में बोला होगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास सोर्स अवेलेबल है तो आप अपने सोर्स को फॉलो करिए, लेकिन सोर्स नहीं है तो सबसे बड़ा सोर्स है बीएसआई एकेडमी का संकल्प बैच 13 है। तो 13 से अंदाजा हो गया कि हम आगे कैसे जाने वाले। तो जैसा बैच का डिटेल रहता है उसी वे में हम जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट है। आप कभी भी वीडियो ये देख रहे हैं तो उस समय आपके रजिस्ट्रेशन ऑन है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की वैलिडिटी एग्जाम तक रहती है, एग्जाम खत्म, बैच खत्म। क्लास का जो डिटेल है वो हम लोग व्हाट्सएप से प्रोवाइड करते हैं, डेट और टाइम कब, यानी अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हैं, अभी आपने रिसेंटली अपलोड में देखा है, तो बैच का ऑलरेडी आपकी क्लासेस कल या नेक्स्ट डे में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने लेट वीडियो देखा है तो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास डेली चलती है, कोई छुट्टी नहीं होती, संडे मंडे हमारे यहाँ पे नहीं होता, डेली हम लोग क्लास करते हैं। क्लास में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है, चाहे वो वीडियो क्लास हो या फिर हमारा पीडीएफ नोट्स हो, प्रैक्टिस सेट हो, हर हम बोथ मीडियम में देते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी में, दोनों में कंटेंट रहता है, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कंप्लीट कराने का हमारा जो तरीका है वो औरों से थोड़ा अलग है। हम जो सिलेबस कंप्लीट कराते हैं वो टॉपिक वाइज और कंसेप्ट वाइज चलते हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक है जो रिलेवेंट है, जो इंपोर्टेंट है सीपीसीडी एग्जाम के लिए, उन्हीं पर हम स्पेशली काम करते हैं। और टॉपिक के अलावा
खासकर उन कंसेप्ट पर जो किसी टॉपिक में पर्टिकुलर पूछे जाते, पूरा टॉपिक कवर नहीं करते, सिर्फ कोई कंसेप्ट कोई पॉइंट आता है तो उस पर हम ध्यान देते हैं, पूरे टॉपिक को हम लोग फिर कवर नहीं करते, क्योंकि हमारा टारगेट है सीपी सेट एग्जाम को क्वालिफाई करना, कोई पीएचडी नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपके दोनों माध्यम में हम लोग कवर करते हैं, वीडियो क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होते हैं, वीडियो क्लासेस जो रहती है रिकॉर्डेड लाइव दोनों प्रोवाइड करते हैं। आपको लग रहा है हमें रिकॉर्डेड देखना है, खुद से तो आप खुद से भी देख सकते हैं, आपको लग रहा है सर कौन टाइम टेबल बनाएगा, आप लाइव करा दीजिए, तो डेली हम लाइव लेते हैं, और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, यानी आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक, हमारे कोई भी टॉपिक हो उसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा डाउट और एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन रखा जाता है, क्योंकि डिस्कशन होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे टॉपिक कंप्लीट, फिर हम लाइव एमसीक्यू टेस्ट रखते हैं, यानी डेली बेसिस पर आप मान के चलिए टेस्ट होता ही होता है, ठीक है ना। और सिलेबस कंप्लीट के बाद आपके रिवीजन की, सुपर क्विज की, टॉपिक वाइज क्विज की सारी जवाबदारी मेरी ही रहती है, और लास्ट में जब पेपर टाइम रहता है वहां पर मैथ्स के साथ साथ हम पूरा का पूरा मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और मॉक टेस्ट की क्वालिटी ये होती है कि अगर आप मॉक टेस्ट में पास तो पेपर में पास, मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियों अगर आप सुधार के जाओगे तो पेपर में स्कोर आपका ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाता है। यानी एक ऐसा बैच है जिसमें फुली कंटेंट प्रोवाइड होता है, आपके पास सोर्स नहीं है, आप इनिशियल फीस है तब भी इस बैच को मतलब ज्वाइन कर आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने पढ़ लिया है तो इस बैच से सीधा प्रैक्टिस कर आगे जा सकता है, किसी को लग रहा है सर मैंने बहुत पढ़ लिया फिर भी नहीं निकल रहा, तो बैच सोर्स यहीं से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब फाइनली सर बैच को इनरोल कैसे करें ये भी बता दीजिए। तो बैच का जो इनरोलमेंट का प्रोसेस है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में है, यूट्यूब की कम्युनिटी में है, टेलीग्राम पर है, व्हाट्सएप, यानी जिस सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं वहां पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और कॉस्ट हमेशा हमारी जिस जब हमने संकल्प लॉन्च किया था दिसंबर 2021 में वही कॉस्ट रखी है, कोई हम ऑफर नहीं लाते, जो है वो यही है, मिनिमम ही कॉस्ट रखी है, इतना कॉस्ट कि अगर एक बार बिना पढ़े अगर आप सीपीसीटी पेपर देने जाते हो और आपने चांस लिया कि देख कर आते हैं तो उतनी उससे ज्यादा कॉस्ट उस पेपर में खर्च करके आ जाते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप अगर ट्राई कर रहे हैं और सबसे बेस्ट है आप किसी भी पैरामीटर को अप्लाई कर लीजिए मेरे ऊपर, चाहे वो टीचिंग क्वालिटी हो यानी टीचिंग का जो प्रेजेंटेशन है कि हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो हो, रिजल्ट, रिजल्ट में यूनिक है पूरे मध्य प्रदेश में, जो एक मात्र सीपीसीटी का, कुछ लोग लिखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, कुछ इंस्टीट्यूट पे आपने देखा होगा ऑफलाइन पर। मेरे साथ भी एक घटना हुई थी कि एक टीचर थे जिन्होंने लिखा मेरे, मैं अक्सर किसी का स्टेटस देखता नहीं, वक्त नहीं रहता, लेकिन एक बार मैं देख रहा था तो वहां पर मैंने देखा, तो उन्होंने एक टैगलाइन लगाई थी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना नाम लिखा। तो मैंने उनको कॉल मिलाया कि सर आप दावा कर रहे हैं कि सीपीसीटी का रिजल्ट ओरिएंटेड आपका इंस्टीट्यूट है, मैंने कैसे रिजल्ट आपके पास कोई के तो मैंने जैसे अपना नाम बताया तो फिर वो आपको जानते हैं कि कैसा उनका रिएक्शन रहा होगा। मैंने दावा हम करते हैं और मेरे पास प्रूफ है, हर सेशन का प्रूफ है, मेरे इतने सारे स्टूडेंट हर सेशन में निकलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लोग 100 में पढ़ाते होंगे, मैं 1000 में क्वालिफाई करा देता हूँ पर सेशन के अंदर, और पूरे मध्य प्रदेश में सारे टीचर एक तरफ आ जाओ मुझे एक तरफ छोड़ दो तब भी मैं आपसे एक स्टूडेंट ज़्यादा ही क्वालिफाई करूँगा, ठीक है ना। और कंटेंट रहा तो कंटेंट तो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के बाद तो कोई भी दे देगा कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, एग्ज़ाम से पहले देता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आपके पास वक्त है क्योंकि ये वीडियो आपने सही समय पर देखा है, और यही सही समय है क्योंकि अभी से ज्वाइन करोगे तो प्रॉपर कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि जब बैच स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग मुड़ के नहीं देखते, हम कंटिन्यू करते जाते हैं। खासकर बात है कि कोई छुट्टी नहीं रहती, तो जब आप लेट ज्वाइन करते हैं तो ऑलरेडी आपने दिन पहले मतलब लेट ज्वाइन किया तो वो आपके पास वर्डन हो जाएगा, और आने वाले समय कोई छुट्टी नहीं होगी तो वो भी। और हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है जॉब वाले स्टूडेंट को, उनका कहना है सर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम कैसे क्या करें, तो आपको वक्त की टेंशन नहीं लेनी। मैं हमेशा कहता हूँ आपको सिर्फ
मुझे 2 घंटे देने, 24 घंटे में, और वो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कब देना है। जब भी आपके पास वक्त मिले आप मुझे दे दो, और ये मैं गारंटी से बोलूंगा कि आपका पेपर मैं दूंगा, बस आप डिसाइड कर लीजिए कि मैंने आपको सर प्रॉपर वक्त दिया। अगर आप प्रूफ देंगे ना तो मैं भी प्रूफ दूंगा आपका सर्टिफिकेट सीपीसीटी का, ठीक है, लेकिन देना होगा। और आपको लग रहा है सर हमें वक्त नहीं मिल रहा है, तो मैं निकलवाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। काफी बार क्या होता है कि जो जॉब वाले होते हैं, देखो उनको एक तो अपनी जॉब देखनी है, फिर अपना घर भी देखना है, अगर रिलेशन में फंस जाते हैं, मतलब फैमिली बन जाती, तो कहीं ना कहीं रिलेशन में भी आना जाना होता है, तो वो भी देखना है, और फिर सीपीसीटी का एग्जाम देखना है। तो वहां पर वो कंटिन्यूस समय नहीं दे पाते कि कंटिन्यूस 1 घंटा पढ़ लें, तो मैं उनसे कहता हूँ आप टुकड़ों में दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए, क्योंकि एक बार आपने वक्त दे दिया तो ये जो छोटी सी टेंशन है आपके जीवन में अभी बहुत मेंटली प्रेशर क्रिएट कर रही है, और मात्र 1-1.5 महीने के समय से पूरे इस टेंशन की आप छुटकारा पा सकते हैं, और मैं 100% गारंटी लेता हूं आपके पेपर की। बस वक्त देना होगा आपको, मैं वक्त ही मांगता हूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और ये दे देंगे तो पेपर मैं दे जाऊंगा। मैं हर पैरामीटर से उतरने के लिए तैयार रहता हूँ, आप कोई भी लगा लो बेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। चलिए बाकी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हम, जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो क्विकली इनरोल कर लीजिए, फास्ट जाते हैं हम लोग, क्विकली फास्ट करते हैं सिलेबस को, तो आप भी हमारी जर्नी में आ जाइए, और जर्नी में आओगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ऐसा सिलेबस है सीपीसीटी का जो इंटरेस्टिंग भी है और प्रैक्टिकल भी है। जब आप पेपर में जाते हो ना सिलेबस पढ़ के, तो आपको लगता है कि जो पढ़ा है वही एग्जाम है। आपने एनालिसिस में सुना होगा कि हम जो पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि पढ़ते वही है। मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के 2 पैटर्न आपको बताए कि हम इंपोर्टेंट कंसेप्ट और टॉपिक पर बात करते हैं, तो जिन टॉपिक में इंपोर्टेंट टॉपिक्स तो सबको पता रहता है कि नहीं, लेकिन उस टॉपिक में कौन कौन से कंसेप्ट पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूरी है वही, उसी को हम ज्यादा फोकस करते हैं, और वही बार बार रिवाइज करते हैं, पेपर निकल जाता है, पीएचडी नहीं करते। कुछ आपने देखा होगा वो पीएचडी कराते रहते, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस सब चीजें में, मेरा टारगेट रहता है स्टूडेंट का पेपर, और आपका भी टारगेट है पेपर, तो बस हो गया मैं मैच, ठीक है। चलिए इस वीडियो से मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, बाकी कोई क्वेरी है ना तो मेरा नंबर है स्क्रीन पर, आप मुझे मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैं आपसे प्रॉपर तरीके से डील करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।